इशू स्किन के प्रॉब्लम जो है जरूरी नहीं है खवातीन के लिए हों, मर्द हजरात के लिए भी होते हैं कि वो अपनी स्किन का ख्याल कैसे अमरीना जी सकते? आप मुझे चंद टमाटर जो है काट के दे दीजिएगा। अब हम बना रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटर की क्रीम जो आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा गोरा करेगी। और हमने दरमियाने साइज़ के इसके अंदर 3 अदद जो है टमाटर लेना है, और टमाटर का पेस्ट हम बनाएंगे। और उसके लिए हम रोज़ वाटर का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले जो है टमाटर लेंगे, टमाटर के बाद जो है हम ये इस तरीके से 3 अदर टमाटर। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं हिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी हिरा बताइए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब मेरे पेट पे एक्ने और एक्ने स्कार थे, तो आपको किसी मेरे इस बारे में बता दीजिए। अच्छा चाहिए, आप शो देखे रहिए, आज का शो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे स्कार्स हैं या बहुत ज्यादा स्किन खराब हो रही है, डबल टोन स्किन हो रही है। मैं आपको टमाटर की क्रीम बनाना सिखा रहा हूँ, ये घर में आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट देखिएगा, सिर्फ चंद हफ्तों में ही बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। और अगर आप कराची में हिरा तो आप मेरे बाल से मैं हेयर फॉल भी हो रहा बहुत ही। अच्छा देखो हिरा, अगर आप कराची में हैं तो आप जो है डॉक्टर रिजवान की क्लिनिक विजिट भी कर सकती हैं, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। आपको एक इनाम भी जितवा देते हैं, आप कराची की कॉलर हैं। बिल्कुल, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें पहले। सैलून की तरफ से जो है क्लींजिंग, मैनिक्योर या हेयर कटिंग में से कोई भी एक चीज अवेल कर सकती हैं। दिए हुए नंबर्स पे आप शो के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, अपना नाम लिखवाइएगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा और आके हमें विजिट कीजिए। सैटरडे संडे आप अपना गिफ्ट अवेल कर सकती हैं हेरा जी। और मुझे ब्यूटीशियन कोर्स भी करना है। अच्छा ठीक है, आपकी एज कितनी है? मेरी 20। सही हिरा, आप जो है हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके मसले का हल जो है स्किन का वो भी अभी हम आपको ऑन एयर बता रहे हैं। आप ये रेमेडी भी देखती रहिए कि किस तरह क्रीम आपको बता रहे हैं, और बाद में आप हमें कॉल करके अपना गिफ्ट भी विन कर सकती हैं सन टीवी की तरफ से, और जो है हमें कांटेक्ट कीजिएगा फिर, ठीक है? अच्छा जी अमरीना, अब हम इसके अंदर जो है टमाटर को डाल के ये टमाटर को हमने जग वाली मशीन में डाल लिया, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल, अब हम इसको जो है छान लेंगे। हमारे साथ एक कॉलर और भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर रिजवान जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ मीरपुर खास से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे बाल बहुत गिरते हैं और बड़े भी नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, सही। आप ये बताइए बालों के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं अभी आप? शैम्पू लगाती हूँ। बस शैम्पू लगाती हैं, बालों में ऑयल वगैरह नहीं लगाती? नहीं और कुछ भी नहीं। पानी कैसा आता है आपकी तरफ जी? पानी आपकी तरफ कैसा आता है? मीठा आता है, खारा आता है? खारा पानी है। पानी जमीन का है, मीठा है। मीठा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको चक्कर तो नहीं आते जिस्म में, कमजोरी तो नहीं? अच्छा ठीक है। नहीं सर में दर्द रहता है थोड़ा बहुत। सर में दर्द रहता है, अच्छा। आपने उम्र कितनी बताई थी अपनी? उम्र 19 साल। 19 साल, कभी आपने आंवला रीठा सीका काई से अपने बालों को धोया है? नहीं। अच्छा ठीक है, बाकी आंवले का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा खाती हैं आप? नहीं नहीं। मछली खाती हैं? नहीं। पानी तो पीती हैं ना? पानी पीती हूँ। कितने गिलास पीती हैं 24 घंटे में? 3-4 गिलास। बस यही प्रॉब्लम है। देखिए आप बेटा पानी ज्यादा पिए ताकि आपके बालों में बायोडीन और जिंक जो है अच्छे तरीके से मिले। सुबह नहार मुंह पानी, आप सुबह नहार मुंह पानी पीती हैं आप? हाँ पीती हूँ। कितने गिलास पीती हैं? आधा गिलास बस। चले अच्छी बात है, चले ठीक है बेटा, शो में शामिल होने का शुक्रिया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपने देखने वाले नाज़रीन को मैं बताता चलूँ पानी की अहमियत कितनी है और पानी हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। पानी देखिए अगर सुबह में पिया जाए, और सुबह में अगर आप नहार मुँह पीते हैं और एक गिलास नीम गर्म पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, और दिन भर वो जिस्म उनका थका रहता है, तो ये नीम गर्म पानी जब आप सुबह पीते हैं तो ये आपकी आंतों के ज़रिए जो है आपके मैदे के अंदर आता है,
आपके जिस्म के डिटॉक्स को रिलीज करता है, आपको चुस्त और तवाना बनाता है और इसके बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं, क्योंकि जिस्म में जो जहरीले मादे होते हैं वो यानी कि आपके ख़त्म होते हैं। और अगर आप 24 घंटे में तकरीबन 12 गिलास पानी पीते हैं या 8 से 10 गिलास पीते हैं, सर्दियों में थोड़ी सी इंसान की कोशिश कम होती है कि जो है पानी कम पिए क्योंकि प्यास नहीं लगती, एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं रहती, तो आपकी अगर वर्किंग ऐसी है जिससे आपका पसीना भी निकले और आप पानी भी पिए, तो यकीन करें कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, एक सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी जो है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बेशक बेशक। और ये कि पानी जरूरी नहीं, अगर आप समझते हैं कि आप जिस तरह पानी के फॉर्म में नहीं पी पा रहे, तो आप उसकी शक्ल चेंज कर लीजिए, फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें जूसेस फ्रूट्स के निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज तो क्यूकम्बर होती है, आपको पता है खीरे में 99% तो पानी है, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप जितना ऐसी चीजें अपने डाइट में रखेंगे, आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, बाल भी अच्छे होंगे, तो ये सब चीजें आपके लिए सेहत के लिए अच्छी हैं। अब ये देखिए, अब इसके हमने पल्प जो है वो निकाल लिया है, टमाटर डाल के हमने उसमें रोस्ट वाटर डाला, और अब ये हम इसका जो झाग है ये हम निकाल देंगे, ठीक है, इसको हम साइड में कर देंगे। और ये आपके लिए जो मैं क्रीम बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने पहले मैंने बताई थी एक शो में वो बनाई थी, तो उन लोगों ने जो है इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक कर लिया था। तो देखिए आपने अपने हिसाब से क्वान्टिटी के हिसाब से लेना है। अब हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर आपने इतनी मकदार में डालना है कि वो अच्छे तरीके से, ये देखिए आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। ब्लेंडिंग किसी भी चीज़ की प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है ताकि उसका एक स्मूथ टेक्सचर बन सके, ठीक है ना। मतलब जब तक अगर क्लम्स आते रहेंगे तो वो एक क्लम्जी सा मिक्सचर जो है वो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहता। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अयाज। अयाज साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी क्या सवाल है आपका, बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल बताइए। चलो ठीक है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला टमाटर के पेस्ट के अंदर, अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच भरकर बेसन। बेसन वैसे भी स्किन के लिए जो है मतलब बहुत फ्रेशिंग लुक देता है, और सबसे अच्छी बात मास्क का भी काम करता है। तो अभी तो आपको ये क्रीम की इंग्रेडिएंट्स के साथ बताया जा रहा है, तो इसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। फिर ये अब एक ऐसा टेक्सचर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इसको हम थोड़ा सा एक चीज़ इसके अंदर हम और ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या होगा, इससे पहले ये होगा कि देखिए आप एक बड़ा सा बर्तन ले लें कोई जो है, या तो फ्राई पैन ले लें, उसके अंदर आप पानी भर दें। पानी भरने के बाद एक ऐसी ही जो है कटोरी जो है उसके अंदर पानी के अंदर रख दें, गर्म पानी के अंदर। गर्म पानी में रखने के बाद उसके भाप से इसके अंदर जो हीट आएगी उससे जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए रखें, या तो आप कोई छोटा सा पतीला रख लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से चलाएं और उसको फिर पकने दें। ये फिर ये जो बेसन होगा और ये कॉर्नफ्लोर होगा ये गाढ़ा टेक्स्चर हो जाएगा। गाढ़ा टेक्स्चर होने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं लतीफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी भाई क्या सवाल है आपका, बताइए। जी माशाल्लाह से मैंने आपका हाइड्रो अप्सरा हाइड्रो मैंने मंगाया था। अच्छा, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह से। ओह वेरी गुड जी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आमीन आमीन, थैंक यू। बस ये है कि मेरी सिस्टर को जो है वो एक्नी बहुत निकली हुई है। अच्छा, तो काइंडली उसके लिए कोई क्रीम या कोई भी ऐसी कोई रेमेडी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, काइंडली मुझे बताइए प्लीज। अच्छा देखिए, आपने अप्सरा हाइट ग्रो हमारा इस्तेमाल किया और जो है उसमें आपको फ़ायदा हुआ। अब आप अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट मंगा सकते हैं और होम डिलीवरी उसकी बिल्कुल फ्री होती है। और बाकी हमारे जो पैकेजेस चल रहे हैं आप जो है सिस्टर को वहाँ भेज सकते हैं। ये पैकेजेस कराची में इजीली अवेलेबल हैं और हम आपको अभी उसका पैकेज भी दिखाएंगे। बाकी आपका लतीफ साहब बहुत शुक्रिया कि आपने शो में हमारे शामिल हुए। एक्ने के लिए तो हमारी अप्सरा ब्यूटी क्रीम जो है वो बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ डॉक्टर रिजवान के अपने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको डिस्कवरी पॉलिशेस दी जाती हैं, एक्सफोलिएटर पाउडर्स दिए जाते हैं। वो इस तरह की चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आपकी एक्ने को कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं, बल्कि आपके फेस का ऑयल भी कंट्रोल करते हैं और आपके फेस पर एक वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं।
एक्नी में ज्यादातर रीजन जो होता है वो ऑयल की वजह से होता है कि फेस स्किन बहुत ऑयली हो रही होती है, टी जोन एरिया जो है बहुत अफेक्टेड हो रहा होता है। तो ऐसे में आप अप्सरा ब्यूटी किट मंगवा सकते हैं, हमारे पास एक्नी की किट है, हमारी व्हाइटनिंग की किट है, फ्रेकल्स की किट है, यानी वी हैव अ रेंज ऑफ ऑल स्किन प्रॉब्लम, सोल्यूशन फॉर ऑल स्किन प्रॉब्लम जिसे कहते हैं अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में। तो आप विजिट कीजिए, इवन इफ लाइक अगर आप कराची में नहीं है और कराची से बाहर है तो आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। हमारे तमाम प्रोडक्ट्स की, हमारे अप्सरा के स्किन प्रोडक्ट्स हैं, हेयर प्रोडक्ट्स हैं, हाइट से रिलेटेड हैं, वेट से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, आप इन सब प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में, कोई चार्जेस नहीं है उसके। आप फोन पे कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे आप अपनी स्किन दिखाइए, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं डॉक्टर रिजवान को, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आप। आजकल तो इतनी आसानी हो गई है, आप व्हाट्सएप पे या आईमो पे जो है वीडियो कॉल करके अपनी स्किन भी चेक करा सकते हैं तमाम चीजें। देखिए अमरीना जी कितना अच्छा ये टेक्सचर बन गया, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन डाला था लेकिन जब मैंने देखा कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा कम है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी बढ़ा सकते हैं, इसमें बेसन भी बढ़ा सकते हैं। और जो है हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब। जी सर, मैं नदीम बात कर रहा हूँ दादू से। कैसे हैं मेरे भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह। अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी जी जनाब, ये सवाल है कि जो गर्मी में ये खालियां निकलती है, अच्छा, ये मुंह पे दाने वाने निकलते हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा ठीक है, और यही बस है, जो मुंह पे दाने निकलते। चले चले, बहुत शुक्रिया। आपने पहले कोई अप्सरा की प्रोडक्ट इस्तेमाल किए? अच्छा चले ठीक है। देखिए दाने निकलने की वजूहात जो होती हैं वो जिस्म के खून में फासिब मादे होने की वजह से होती हैं। अगर आपका मैदा ख़राब है, आपके जिस्म में फासिब मादे हो जाते हैं, आपकी वर्किंग ऐसी नहीं है, आपका वाटर इनटेक कम है, आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं या फिर आप जंक फूड का इस्तेमाल रखते हैं और इस तरह की लाइट ग़िज़ाएँ नहीं खाते जैसे कि सब्ज़ियाँ हैं और जैसे दलिया है, तो फिर ये होता है कि जिस्म में खून में फासिब मादे हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादातर आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे निकल आते हैं या फिर चेहरे, तो वो ख़ास जगह है उसकी, तो जो है वो निकल आते हैं।